जाने क्या चाहती है हमसे। वो कह रही है कि मुझे ले तो जाओ, ले तो जाओ। तो फाइनली भाई हम पहुंच गए माफिया पे, एंड भाई अपनी डिलीवरी का टाइम आ गया अपनी। नहीं भाई, ब्राउन कलर होगा, ब्लैक कलर चेंज। स्पेशली भाई अपने रिंकू भाई ने नागपुर से भेजी थी, ये है भाई ऑरेंज बर्फी नागपुर स्पेशल। बस भाई साहब, हाँ भाई पूजा रेडी है, फुल रेडी, फुल रेडी है। चलो भाई, हाँ भाई एक लव राजवीर रेडी, थ्री टू वन। हेलो जी, वेलकम बैक टू रिशल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल में से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फाइनली भाई आज वो दिन आ गया है जब हम पूरी फैमिली भाई लेने जा रहे हैं अपनी जिमनी को, क्योंकि भाई मैं जिमनी को ना अकेला लेके आया था ना गुजरात से, फिर उसके बाद भाई अब रेडी होने के बाद तो भाई एक साथ फैमिली के साथ उसकी डिलीवरी बनती है ना, अभी भी मैं अकेला जाके ले आऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। और इतनी सिंपल नहीं है, मतलब कि फुल ऑलमोस्ट मॉडिफिकेशन होने में जिमनी की हमें पूरा एक मंथ हो चुका है, 25 दिन हो गए, 25 रेडी ही है, टाइम ही नहीं लग पा रहा था भाई लेके आने का, लाएंगे लाएंगे लाएंगे, ऑफिस बच्चों के स्कूल ये सब सारा काम होने के बाद टाइम मिलता है भाई शाम को, एंड आज भी शाम के 5:30 बज चुके हैं। जिमनी क्या चाहती है हमसे। वो कह रही है कि मुझे ले तो जाओ, ले तो जाओ, तो गए। छोड़ तो गए, लेके आने में इतनी वो कर रहे हो, बस एक बार आ जाए भाई। वो यार पता नहीं क्या एक चीज ऐसी, मतलब एक अटक सा आ गया कुछ ना भाई, पता नहीं क्या हुआ इस बार है ना। नहीं एक दो तो मेरे कारण भी था ना, कि मैंने कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में जब, कि वो चीजें करानी थी भाई उस भाई से ही करानी थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा रुके हुए थे। हाँ भाई विराजवीर हेलो तो कर लो, हेलो राजवीर, एक्साइटेड है? क्या एक्साइटेड है बताओ, क्या एक्साइटेड हो आप जिमनी के लिए? कैसी मिलेगी जिमनी? अच्छी मिलेगी। और अच्छा उसमें क्या होने गया है विराज, क्या बोलते हैं हम जिमनी, जिमनी का हमने क्या कराया है? सर्विस, सर्विस सर्विस थोड़ा कराई है, माफिया वाले सर्विस नहीं करते भाई। क्या करते हैं वो बताओ, क्या करते हैं? डिटेलिंग वर्क करते हैं, डिटेलिंग मुझे पता नहीं है, देखो ये सच्चाई बोलता है भाई, ऐसे झूठ मूठ नहीं बोलता, हालांकि विराजवीर जाता है भाई अपना खुद के वाहन से, ओटी से जाता है, ठीक है, ओन ट्रांसपोर्ट, और एकलव्य जाता है अपना भाई बस से जाता है। डिफरेंस है, जब इन दोनों की सेम टाइमिंग्स हो जाएंगे ना तो तब देखेंगे, तब फिर एक लवे की भी हम ना बस हटा देंगे, फिर जिमनी छोड़ के आ करेगी, जिमनी लेके आ करेगी, है ना मैडम आपकी? हाँ। मैं ये सोच रही हूँ दोनों की बस लगा दूँ। वाह बिल्कुल फ्री हो जाओ अपनी उन जिम्मेदारियों से, है ना भाई, जिम्मेदारियों से। और मजा आएंगे बस, मस्ती करेंगे। हाँ एक लवे तो जब से बस में जाने लगा ना तब से फर्क आ गया इसमें, एक्चुअली इसमें ना मतलब एक सोशल नेटवर्क से हो जाता है ना, बच्चे मिलते हैं, नेटवर्किंग बढ़ गई इसकी, हाँ फ्रेंड्स मिलते हैं, बोलना शुरू कर दिया, बड़बड़ शुरू होगी, अब तो ये चुप ही नहीं होता बस में जब से जाने शुरू किया। वो देखो अपनी गाड़ी दिखा रहा है, कल मैं लेके आया हूँ, बस अब तो पता है क्या होता है, कहीं स्टेशनरी लेके जाओ क्योंकि अप्रैल का महीना है, कभी स्टेशनरी आ रही है, कभी स्कूल ड्रेस आ रही है, कभी कुछ आ रही है, हाँ ये भी चल रहा था भाई हमारा, तो काम बहुत सारे चल रहे थे, एंड आज जब आप गाड़ी को देखोगे कहोगे विक्रम भाई वाकई में जैसा मतलब आप दिखाते हो ना उससे ऊपर ही है। उस दिन रात को वो सब कुछ खुला पड़ा था वो दिखाया है, तैयार होने के बाद अब इनके एक्सप्रेशंस लूंगा ना मैं, कि भाई तैयार होने के बाद बताओ अब कैसी लग रही है, देखते हैं क्या किया है आपने, कुछ और भी चेंजेस किए हैं दो तीन दिनों में। इसकी लाइंस पता है क्या होती है, एक पैटर्न होती है, एक्सपेक्टेशंस से तो ऊपर है इस बार, नहीं मैंने अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी, अच्छा रखी नहीं है, मुझे ये पता है कि आप अच्छा ही कराओगे। नहीं भाई हमने अपनी जिमनी को ना जिमनी ही रखा है, लेकिन एक थोड़े से बोल्ड अवतार के अंदर लेके आए उसको हम थोड़ा सा, एंड सारी चीजों में चेंज है। आप ऐसा करना पुराने वाले क्लिप्स डाल देना, अच्छा वो भी दिखा देंगे, तो साथ साथ वो भी दिखा देंगे, वैसी हमारी जिमनी दिखती थी ऐसी आई थी और ऐसी हमने बना, बिल्कुल बच्ची सी, हाँ और बड़ा बच्चा बड़ा हो गया, ग्रो हो गया, हाथी है क्या बात है, हाथी हमारा यही है भाई, हाँ जिमनी क्या होगी, जिमनी से कॉम्प्लेन बॉय, बच्चा हाथी वो हाथी का बच्चा, ट्रैफिक देख लो भाई कितना हो रखा है, ट्रैफिक के साथ ये तो देख लो सूर्य देव का प्रकोप,
चलो ठीक है, ये प्रकोप जारी रहना चाहिए, अभी छिपना नीचे जल्दी से। हाँ जल्दी छिप गया, तो फिर वापसी में हम शॉर्ट्स कैसे दिखाएंगे आपको भाई, चलती हुई अपनी जिमनी के। पहला नवरात्रा भी है तो जय माता दी एंड जय माता दी। हाँ, और आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है, तो उसकी भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं भाई हम अपनी गाड़ी को लेने के। हमारे जा रही है भाई क्रेटा एंड लेनन। पूजा ने भाई इसकी जबरदस्त धोती मुझे सीरियसली मुझे लगा कि एक्स्टर जा रही है, मैंने कहा देखो जा रही है एक्स्टर, मैंने कहा कुछ याद आया एक्स्टर से, ये कहते हैं एक्स्टर नहीं है ये क्रेटा एंड लेनन यार, का डिटो सेम वही लग रही है। बैक से तो बिल्कुल रियर से ना ऐसे लग रही है कि हमने थोड़ी सी अपनी ऐसी बना रखी थी ना, थोड़ी सी बल्कि थोड़ी, हाँ इसलिए लगी तेरे को ये ऐसी। नहीं कलर भी थोड़ा सा जा रहा है, फिर हुंडे की हो गई तो थोड़ा थोड़ा सा। तने हुंडे भाई बेइज्जती करने हैं भाई, ऑफेंड मत हो ना, बाय मिस्टेक हो जाता है ना आंखों का धोखा। हाँ हाँ, पूजा थोड़ा ना ऑटोमोटिव 17 है, तो पूजा अलावा था, मैं हूँ ऑटोमोटिव 17। हम बताएंगे, हमने फिर उसको सच्चाई बताई कि भाई अगले बंदे ने 20-22 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसे ना करो भाई। और भाई द्वारका एक्सप्रेसवे का भाई किसी और को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, मेरे को तो जरूर हुआ है। हाँ मेरे को सारा दिन, मतलब कि रात को तो सारा, मतलब कि आने के बाद ऑफिस से डेली यहाँ चक्कर लगाने, और अगर ये ना होता तो हम जाम में फंसे रहते अंदर है। क्योंकि इस टाइम भाई हुआ ना होली के बाद शीतला माता मंदिर में धोक लगती है, तो वहाँ पे वैसे इतना जाम रहता है भाई। फिर तो अपने पास एक यही सहारा था, एक्सटेंशन रोड पकड़ो, SPR से आओ एंड सीधा अपना भाई माफिया पे पहुंच जाओ 106 पे। फिर अब देख ले हम सही नहीं चल रहे, आराम से मस्त पहुंच जाएंगे, ना ट्रैफिक है ना कुछ है और क्या। तो फाइनली भाई हम पहुंच गए माफिया पे एंड भाई अपनी डिलीवरी का टाइम आ गया, अपनी भाई जिमनी की डिलीवरी का टाइम आ गया है। एंड कैसी लग रही है हमारी जिमनी, कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, तुम्हारे को दिखाई ही नहीं है मैंने। ब्राउन कलर होगा, ब्लैक कलर चेंज भाई, इतने दिन खड़ी रही है चेतन भाई है? ये गाड़ी इतने दिन यहाँ खड़ी रही है, इनको ये लग गया कि हमने सा कलर चेंज कर दिया। मैं तो सो क्या ही रहा था, भूल गए होंगे कि जिमनी है। और फिर आज फिर पता क्या कह रहे हैं, ग्रीन कलर। 25 दिन के बाद हम आए हैं ऑरेंज। चलो भाई गैस कर लो, आप सब भी पहन के आया हो सकता है ब्लैक। चलो गैस करते रहो भाई, इससे पहले हम गाड़ी को अनवील करें पहले हम करेंगे भाई मुंह मीठा। तो भाई डब्बा निकाल के लाया जाए, लव महाराज किधर है, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। ठीक है बात, तो डिलीवरी में मजा आएगा है ना, राजवीर समझते हैं जेली जेली। ला भाई सूरज मुंह मीठा कर यार, कमाल है तेरा, बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है गाड़ी को मतलब मेंटेन करने में। ले भाई दीपक, लो जी महाराज। अच्छा तुसी तो ले चुके हो, एक और लो फिर, जो जैसे नंबर आता जाएगा लेते रहो है। लो विकास भाई मुंह मीठा करो, आ भाई माजिद तूने भाई गाड़ी को खोला है बंद है, बहुत काम किया है तूने। ले भाई साहब एंड भाई ये जो मिठाई है ये स्पेशली भाई अपने रिंकू भाई ने नागपुर से भेजी थी, ये है भाई ऑरेंज बर्फी नागपुर स्पेशल। बस भाई साहब वहाँ उड़ाना है, ये यहाँ नहीं करना। ले भाई माजिद तू दो ले यार, तू दो ले, अरे जुड़ी हुई तेरी तू दो ले यार। ले भाई पुष्पेंद्र, अरे नाना ले ले मिठाई, ना मना नहीं करा करते। क्या है तो कोई नहीं, इसमें तो संतरा और नारियली है और क्या है। चलो कोई बात नहीं, तेरे नाम की उसने ले ली तो बाद में ले लियो। तो भाई हमारी मैडम रहेगी भाई, मैडम आप लोगे नहीं, ले लो यार मीठाई दे थोड़ा सा, कर लो मुंह मीठा है। लो जी तुसी भी मुंह मीठा कर लो, गाड़ी की खुशी में। हाँ गाड़ी खुशी में, तो अड्डी गड्डी है यार हमारी। हाँ भाई पूजा रेडी है, फुल रेडी, फुल रेडी है। चलो भाई, हाँ भाई एक लो भाई राजवीर रेडी, चलो भाई फुल रेडी कर दे अब 3-2-1 गन भी आ गई है, तो कर दे भाई रिवील है, बहुत दिन हो गए है। 1-2-3 नहीं करेंगे, 3-2-1 करेंगे, 3-2-1 तो भाग गए बच्चे हमारे। ये कपड़ा तो गया, कपड़ा हमारा गया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो हो गया, अब तो मजे लो भाई गाड़ी का देखो। वाह आज जिमनी के साथ ना कुछ ज्यादा ही अजब गजब हो रहा है हमारा, कपड़ा जा ही नहीं रहा है ना। पहले होली मना ली, अब दिवाली मना ली। पहले उसमें होली का रंग था, अब भाई कोई बात नहीं, दोनों काम हो गए। तो फाइनली भाई हमारी गाड़ी रिवील हो गई है, आप देख सकते हैं कैसी लग रही है भाई हमारी जिमनी। मैं ये कह रही हूँ कि देखो कैसी लग रही है भाई, बताओ आप सब ना कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही है। बाकी भी डिटेल आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या चीजें चेंज करी है, वो अभी आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। देखो पहली चीज तो चेतन भाई ने चेंज कर दी है, ऑन कर दी, LED इंडिकेटर कर दिए भाई, और ये DRL के साथ है, हालांकि अभी DRL का कनेक्शन हमने अभी इसमें किया नहीं है, तो इसी वजह से खाली आपको ये इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, फॉग लैंप्स वही हैं, लाइट्स वही हैं, लेकिन
और भी बहुत सारी चीजों में चेंज है इस गाड़ी के। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, एक तो ये सब सेम हो गया, जो इस पे अटरम शटरम कुछ कुछ लगा हुआ था ना, सब कुछ हट गया, सब हटा दिया भाई। गाड़ी के ऊपर ना एक सिंगल स्टिकर हमने नहीं रखा है, जो आए थे डिकेल्स लग के आए, जो थंडर एडिशन ये बन के आई थी वो थंडर एडिशन हमने नहीं छोड़ी, ये नहीं था, ये आपने अच्छा किया। ठीक है ठीक है। और एक पहले पूजा से ही पूछ रहे थे ना भाई सारी चीजें, इसको कैसा कलर, कलर भी बहुत अच्छा है। अलॉय का कलर भी मैडम को बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे व्हाइट बोला था और ये रोज गोल्ड नहीं, इसको हम प्रॉपर अगर शब्द बोले तो इसका नाम है रेडिश बेज, आप रोज रोज पिंक बोल सकते हैं ना, पिंक कौन सा था, ये सरप्राइज है। इससे गाड़ी की लुक ना और बल्कि हैवी और अच्छी लग रही है। और बताओ, और तारीफ करो गाड़ी की, मेहनत की। मुझे इतने वर्ड्स नहीं पता, वो ऑटोमोटिव 17 को पता है। अंदर का तो देख, अंदर का जैसे दरवाजा खोलो गाड़ी का, उसके बाद देख कैसी लग रही है। डोर हैंडल्स को देखो, ठीक है, वहाँ पे ग्रैब हैंडल्स को देखो। इकलौवे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा किया हुआ है, अच्छा। छत को देखो, छत कैसी है? छत ब्लैक है। तेरा सर नहीं, गाड़ी की छत है। अपना छत कैसे देखो? हाँ चेतन रोहन एंड विकास भाई की जो मेहनत है इस गाड़ी पे लगी है, साथ साथ हमारे पुष्पेंद्र बाबू की जो हमारे डीओपी है इस टाइम पे, बहुत अच्छी लगी। ये देखना हटाओ, ये छोटे डायनामिक इंडिकेटर देखने, ये देखो भाई है। हाँ। ये भी भाई अब सारे सीक्वेंशियल है, और जो ये हम पहले वो वाली क्लिप्स डाल देंगे जो जिमनी वैसी थी, बच्ची सी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। बिफोर आफ्टर, हाँ, सीरियसली बहुत अच्छी हो गई है। एक महीने खिलाया पिलाया ना, 25 दिन तुमने भाई इसको रखा है, खिलाया पिलाया, ठाड़ा बना दिया है, माफिया बना दी, माफिया है। इसमें पीछे से भी चेंजेस, पीछे से भी चेंजेस है, पीछे में लाइट हमने पहले चेंज कर दी थी एंड अब चेंज, आप ये देख सकते हो। ओह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके लिए भाई एक्स्ट्रा कैप हम लेके आए थे लुधियाना से, रमन भैया। अच्छा, से ये वाली तभी तो रात को भी चक्कर लग रहे हैं, फुल मेहनत हुई है दोनों तरफ से, हर चीज में, मतलब डिटेल्ड वर्क हुआ है भाई गाड़ी में। एंड ये हमारे पुराने मैट है, अब अंदर इसके अंदर 7D मैट्स आ गए हैं, तो अब आपको पूरा डिटेल बताते हैं हमने इसमें क्या क्या काम किया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक में क्या है, जो हमारी ग्रिल थी, अब जब हम ये ग्रिल लगवा के आए थे उस टाइम मैंने बोला था कि मुझे तो मैट ग्लॉस जो भी मिल रही है मेरे को वही लगवानी है, क्योंकि बाद में हमारे को इस पे कलर करना ही था। पूरी गाड़ी जितनी भी क्लैडिंग्स थी, ग्रिल, बम्पर, एवरीथिंग, सबको हमने सेम बॉडी कलर में पेंट किया है भाई। बहुत मेहनत लगी है भाई इस कलर को बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एक बार बन के आ गया था कलर, हमें समझ में नहीं आया, बिहाइंड द सीन्स दिखाने चाहिए दिखाने चाहिए थे, उसे पता लगे क्या हुआ है। रात के 12-12 बजे बैठ के कलर मैच कर, भाई पता नहीं इतने कलर मैच होते हैं यहाँ पे, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज, पता नहीं कितनी लग्जरी गाड़ियों के, लेकिन जो जिमनी का कलर मैच करने में भाई नानी याद आई है ना, विकास भाई बताए, विकास कैसी नानी याद आई जिमनी कलर मैच करने में? बहुत जो 25 दिन ही आ रही है ना, आज मतलब एक जबरदस्त पार्टी होएगी कि मतलब भाई जिमनी फाइनली अब चली घर जा रही है, घर जा रही है, हाँ, माइके में आगे रुक गई थी ऐसे। सिर्फ जो ये ग्रिल है और ये, इसको हमने ग्लॉस ब्लैक रखा है, जितना भी पार्ट है जो प्लास्टिक, हाँ, इसको भी ग्लॉस ब्लैक रखा है। ये वाला जो नंबर प्लेट के पीछे ना, इसको याद आ गया, अरे यार इसको भी ग्लॉस ब्लैक करते हैं ना। एंड जो एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स लगे हुए थे थंडर एडिशन के, वो हमने सारे रिमूव कर दिए। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर क्या चेंज है भाई, ये देखो, ये ग्रैब हैंडल को हमने कर दिया है भाई कार्बन फाइबर, दरवाजों पे भी भाई कार्बन फाइबर है, ये हमने ग्लॉस ब्लैक रखा है भाई जान के, थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन रखने के लिए, इसको भी हम कार्बन फाइबर कर रहे थे, इसको भी करते, लेकिन जो ये थे ना हमारे एसी वेंट्स, इसको उतारने के लिए ना फिर इसको भी उतारना पड़ता, और फिर ना वो मैं था यार इतना छेड़खानी नहीं करना चाहता, इतना ही ठीक है, इनको कर लेते हैं हम कार्बन फाइबर, अदरवाइज और इंटीरियर में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। सीट कवर्स तो हमारे शुरू से लग के आए हुए हैं, तो इनमें भी अब चेंज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कुछ टाइम के बाद चेंज करेंगे। आप सजेशन देना कि हम इसको क्या करें, कौन सा कलर पे जाए। एंड जो ए पिलर्स हैं भाई, ये भी हमने इसके ब्लैक कर दिए, क्योंकि बाकी जितने भी पिलर्स हैं इसके, बी पिलर कह लो या सी पिलर के लास्ट तक, वो सारे ब्लैक में ही आते हैं, ये ग्रे कलर के थे इसलिए भाई इनको हमने ब्लैक कर दिया। फिर भी ना एक थोड़ी सी कमी लग रही है मेरे को, पता है क्या, बाहर तो हमने लॉयज को यार रोज गोल्ड कर लिया या रेडिश बेज बोल लो, लेकिन गाड़ी के अंदर यार वो वाली फील भी तो चाहिए। उसके लिए आज मैं स्प्रे करूंगा अपनी गाड़ी के अंदर इन्वॉल्व एलिमेंट्स का एम्बर, और एम्बर के अंदर भाई कॉम्बिनेशन है आपका रोज और सिनेमन का। सबसे पहले इसके एक और दो स्प्रे करके
पूरी फ्रेग्रेंस का आनंद लिया जाए। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जैसा हम अपना बॉडी पे परफ्यूम यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आती है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठो भाई, इन्वॉल्व के दो स्प्रे भूलना नहीं है। और एक चीज और नहीं भूलनी, पता क्या, कूपन कोड। हाँ, कूपन कोड नहीं लगाओगे तो 10% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना, वो मिलेगा नहीं। तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व सेंसेस की ओरिजिनल वेबसाइट पे, फेक भी बहुत ज्यादा है भाई, ओरिजिनल वाली पे जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फटाफट जाओ, क्लिक करो और अपनी गाड़ी को मस्त फ्रेग्रेंस दो और खुद को भी रिफ्रेश करो। तो अब आ जाते हैं भाई साइड लुक पे। तो साइड लुक देखो भाई, गाड़ी की कितनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लग रही है भाई। कलर आपको जो इसके एलोयस का है वो गोल्डन लग रहा होगा, लेकिन ये रोज गोल्ड कह सकते हो आप देसी भाषा में। लेकिन एक्चुअल जो कलर मैंने आपको बता दिया, रेडिश बेज, याद नहीं रहेगा। अब ये जो एलोयस हैं, जब हमने लगवाए थे तब यही चीज सोच ली थी कि हम इन एलोयस का भाई कलर चेंज करेंगे, क्योंकि जिमनी के ऊपर ना भाई कंपनी के जो OEM एलोयस है ना, काफी अच्छे सूट करते हैं। एंड टायर्स वापस से आ गए हैं भाई हमारे पास, कॉम्फोर्सर का CF 1100, क्योंकि अब हमारे पास भाई काफी टाइम था, 25 दिन भाई गाड़ी यहाँ रही है, तो उस दौरान तो भाई टायर हमारे पास आ ही सकते हैं ना। तो भाई यही टायर हमको सूट करे, वो टायर थे लगवाए थे, लगवाने यही थे वो टाइम, तो भाई भाई को वो चाहिए थे तो मना नहीं कर सकते। काफी भाइयों ने कहा, अरे भाई ये कोई बात होती है, ऐसे कोई देता है, भाई हम दे देते हैं। आप अब कहोगे विक्रम भाई हमारे को टायर दे दो, मैं आपको दे दूंगा, मैं और मंगवा लूंगा भाई, ठीक है। एंड रही बात इनके टच होने की, तो हाँ ये टच होते थे, ये देखो यहाँ पे ये क्लैडिंग जो थी ये टच होती थी। लेकिन अगर आपने इसका, जब हम वीडियो बनाया था, जब हम इस गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए थे, उस टाइम पे मैंने इस बम्पर को ना कट किया था यहाँ से, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को पेंट तो कराना ही है, तो मैंने इसको कट करवाया था। अब जब कटाई होगी तो ये टायर टच नहीं होगा, तो ये भाई सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। जितनी भी क्लैडिंग पे पेंट हुआ है, कहीं पे भी हमने जो पुट्टी वर्क होता है ना, उसको ना के बराबर रखा है, ना के बराबर। घिसाई ही इतनी जबरदस्त करी है भाई इस पार्ट की, घिसाई में टाइम दिया। हाँ, घिसाई पे हमने बहुत टाइम दिया भाई, इसकी सैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, सैंडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम दिया। फिर अस्तर, और अस्तर भी वो वाला मारा था जो सैंडिंग वाला होता है, फिर उसके बाद पेंट एंड फिर क्लियर, ये सब। उसके बाद आप देखो भाई गाड़ी की लुक कितनी प्यारी लग रही है। छत ग्लॉस PPF, यहाँ पे ये आपका देख लिया, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। एंड ये भी आपका ORVM बॉडी कलर रहेगा। ये पार्ट अपना विकास भाई ने बोला था कि यार इसको ना हम ब्लैक करते हैं, ग्लॉस ब्लैक। मैं इसको बॉडी कलर बोल रहा था, विकास बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसको यार हम ग्लॉस ब्लैक रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड डोर वाइजर हमने हटा दिए थे, आपने पूछा था विक्रम भाई डोर वाइजर क्यों हटा दिए, तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा डबल टेप यहाँ से हट गई थी, उन्होंने प्राइमर लगा के नहीं दिया था ना एजेंसी वालों ने, तो अब हमने दोबारा से अच्छे से 3M की डबल टेप लगा के, प्राइमर लगा के इनको कम्प्लीटली वापस लगा दिया। डोर हैंडल्स भी हमने बॉडी कलर कर दिए, एवरीथिंग सब बॉडी कलर कर दिया। कैलिपर्स जो हैं वो भाई इसके रेड कर दिए हमने, हालांकि दिखते नहीं है, कैलिपर इसके ऊपर है। कोई और कलर यार समझ में नहीं आ रहा था, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, ये तो अपने हाथ की बात है। आधे घंटे में, हम आधे घंटे में चेंज कर देंगे इसको, तो भाई जब कहोगे कौन सा कलर कहोगे। हालांकि नियॉन कलर भी सोचा था, येलो भी सोचा था, लेकिन इन एलॉयज के साथ, इन कर्स के साथ ना भाई यही सूट कर रहा था। तो अब आगे भाई गाड़ी के हम रियर में, तो रियर में पहले भाई यहाँ पे स्टेपनी कवर लगा हुआ था वो हटा दिया, कैप यहाँ पे लगा दी, इसको भी हमने सेम एलॉय के कलर में पेंट किया। हालांकि इसको हमने ब्लैक पेंट किया था बीच वाला लोगो, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, सूट नहीं किया, तो इसी वजह से भाई हमने इसको ऐसे कर दिया। ये कवर हटने के बाद भी बल्कि लग रहा है ना, एक तो टायर बहुत भारी हो गया, ठीक है, ऊपर से एलॉय मतलब निखर के आ गया एलॉय अब इसमें, इस कलर में और ज्यादा उभर के आया भाई ये। एंड फिर भाई देखो आप, लाइट्स तो हमने चेंज कराए ली थी, सिक्वेंशियल इंडिकेटर, मतलब ना पूरा अच्छा लगा। मतलब एक चीज देखोगे, सिर्फ इस पार्ट को रेड छोड़ के और ऑरेंज तो कहीं है ही नहीं वैसे नहीं। सारा आप देखो स्मोकी कलर है गाड़ी में या बॉडी कलर रह गया लाइट्स में। तो बाकी आप बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि आपको जिमनी कैसी लगी, जो हमने भाई 20-25 दिन अपनी जिमनी को दिए हैं वो वर्थ इट है या नहीं है। नहीं तो नहीं होंगे भाई, मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगी है भाई इस गाड़ी की लुक को ऐसा बनाने में। एंड पहले हम क्या करते थे भाई, ग्लॉस ब्लैक कर देते थे, ज़्यादा कॉम्बिनेशन अलग कर लेते थे, लेकिन बॉडी कलर्ड करने का भाई आइडिया मेरे को अपनी स्कॉर्पियो से ही आया था कि स्कॉर्पियो के अंदर ना हमने जब पूरा एक कलर किया तो उससे ना गाड़ी की लुक ना और भी ज़्यादा बोल्ड हो गई थी, हैवी लुक हो गई थी, और जिमनी की लुक को भी ना हमने थोड़ा सा हैवी करना था। एंड थैंक यू चेतन भाई, विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। लगाव सा हो गया था आपने तो इस गाड़ी के लिए, देने का जी तो नहीं कर रहा था, देने जाने का मन नहीं कर रहा, इसको यही छोड़ दो, पूजा कहेगी इसे कुछ ना कुछ होता रहेगा। फिर पूजा मेरे को यूं कहेगी कि भाई ना, भाई तो नहीं बोले
पूजा वाले लोग कहेगी कि एक्स्ट्रा तो वहां बेचे दी बार बार है, मेरी जिम नहीं तो घर ला दो है, मेरी जिम नहीं है, इसको ऐसा लगता है शोकेस में लगा लेनी चाहिए, है ना, इतनी प्यारी बनी है ना भाई। देखो काम तो देखो भाई बहुत प्यारा करता है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि टिपिकली ना स्टोर का जो ओनर होता है ना उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है भाई कि वो कितना ध्यान देता है काम करने के ऊपर। तो इसीलिए भाई अपन तो अपना रोहन चेतन परिवार के ऊपर भाई अपन ट्रस्ट करते हैं। बाकी भाई एड्रेस वगैरह भाई का आपको पता ही है, सेक्टर 52 में रोहन भाई वहाँ संभालते हैं एंड इधर अपना चेतन भाई। देखो सारे स्टोर संभालने जरूरी है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी तो अच्छा ही देना है ना भाई, तो लड़कों को बताते रहना पड़ता है कि भाई ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। दोनों एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, नंबर भी वहीं डाल रखे हैं, कॉन्टैक्ट करना, मोस्ट प्रोबेबली चेतन भाई ही फ़ोन उठाएंगे तो और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये देखो भाई ऐसी दिखती है भाई अपनी जिमनी चलते हुए, हाँ ये देखो भाई अभी नाइट के शॉट हैं भाई, दिन के शॉट भी आपको दिखाएंगे हम गाड़ी के। तो फिलहाल तो भाई अभी द्वारका एक्सप्रेस वे नाइट शॉट्स का आनंद लो भाई, वाकई में भाई जिमनी बड़ी हो गई भाई, बल्कि हो गई। एंड अलॉयज बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, मेरे को तो बहुत प्यारा कलर लग रहा है, एंड टायर्स भी भाई फुल बल्कि लग रहे हैं अब, हैं सेम भाई भाई पहले वाले टायर्स आ गए। एंड भाई ये देखो रियर लुक, हाँ और एक चीज तो बताना भूल ही गया भाई, पूरी गाड़ी के ऊपर भाई अपना हो रखी है पीपीएफ, पूरी गाड़ी पे ग्लॉस पीपीएफ है, छत पे ब्लैक पीपीएफ है, एंड जितना भी हमारा प्लास्टिक पार्ट्स था जो हमारा कलर्ड प्लास्टिक पार्ट है उस पर भाई हमने करी है इस पर कोटिंग सेरामिक, आई थिंक थोड़ी और ऊपर वाली कोटिंग थी, कौन सी थी चेतन भाई को ज़्यादा पता है, बाकी भाई मेरे को तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है अब, जिमनी बच्ची नहीं रही भाई, बहुत प्यारी लग रही है ये बात। इस दिन की जो भाई अपनी मेहनत थी वो अब अपनी भाई कंप्लीट हो गई, साकार हो गई, हाँ एंड नंबर देखो इतना प्यारा लग रहा ना HR01P17, मतलब खतरा नहीं भाई, प्यारा प्यारा नंबर है अपना। जिमनी के थोड़ी सी फ्रंट लुक का आनंद लो, हाँ ये देखो भाई अन फ्रंट लुक से देखो भाई लाइट्स, हाँ ग्रिल एवरीथिंग मज़ेदार भाई, ओय होय होय स्वाद सा आ गया भाई, मैडम मजे ले रही है गड्डी के, अरे वाह ये बात, फुल मजे ले रहे हैं भाई अपनी जिप्सी के ये तो है। चलो भाई ले लो मजे, तुम भी ले लो मजे, हम अपनी स्कॉर्पियो मजे ले लेते। मैडम कह रही भाई मजा इतना आ रहा है जयपुर चले बहुत दिनों के बाद मिले हो है, रात की कॉफी आज जयपुर, चलो कोई नहीं स्कॉर्पियो घर लगा देते हैं फिर आपकी जिमनी में चलते हैं, मजा आ रहा है फुल है। चलो अरे भाई मजा आ रहा है, मेरे को इस गाड़ी को देखने में इतना मजा आ रहा है भाई, आपको तो चलाने में आ ही रहा होगा। ये देखो भाई अपनी दोनों गाड़ियां क्या मस्त लग रही है ना, अरे भाई रात के अंधेरे में तो जिमनी भी अपनी ब्लैक लग रही है, हा? अब लग रही है ना पूरी खतरनाक, आ जा मैडम आ जा बाहर आ जा है, वो तो पूरी भाई जिमनी गर्ल हो रही है, हैं? शेर कैसे लग रहे हैं? ओ भाई साहब शेर, यार एक बात तो है मुझे यार, लग रहे हैं यार? हैं? विराज को कह भी रहा था पीछे से लुक थार जैसी लग रही है, लेकिन हो गई है, बल्कि हो गई है, होगी ना, और तेरा तो नंबर भी बन है, मस्त लग रहे नहीं, ओहो पूरी शेर धाड़ने वाली लग रही है। टायर्स भाई यही जसते हैं इस गाड़ी में, ऐसे ही भारी टायर जसते हैं और कुछ नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है हमारी आज स्कॉर्पियो थोड़ी गंदी हो रखी है, धोऊंगा भाई जाके, हाँ कोई नहीं, शेरा के मुंह किसने धोए हैं, 7Z17 1P17 हाँ जैसे तू नहीं नहाता, पर एकला तो डेली नहाता है, जिमनी जिमनी है वाह, ये बात सच्चाई है भाई, जिमनी जिमनी है, हर गाड़ी है भाई, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है, जिमनी जिमनी है, ठीक है आज बर्थडे है, आज लिए ना परिवार के साथ डिलीवरी, तो आज है इसकी मेन डिलीवरी, पार्टी दे भाई तेरी गाड़ी में नंबर लग गया, पार्टी ले लो, और तेरा तो नंबर भी महंगा है, हालांकि भाई जिस टाइम पे वो नंबर लिया था उस टाइम पे वो नंबर महंगा था, आज वो भी नंबर महंगा ही हो रखा है, पर भाई ये तो नंबर ही अलग है, स्पेशल नंबर पी फॉर पूजा 01 एक नंबर है। चलो जी हुण एक गड्डी घर खड़ी करते हैं एंड फिर पार्टी करते हैं, चलाना इसको ये तो पोपट हो गया, चला दो चला दो चला दो, रंग वाला बस बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो।